दुनिया भर से खत्म हो रहे खादी के क्रेज को कॉन्फ्लुएंस फाउंडेशन ने फिर से जिंदा करने की कामयाब पहल की है। बापू के सपनों को साकार करने की कोशिश की है। कॉन्फ्लुएंस फाउंडेशन ने दुनिया भर में भारत का नाम ऊंचा करने के साथ साथ खादी के कारीगरी की बिगड़ती आर्थिक हालत को सुधारने का भी बीड़ा उठाया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अहिंसा और शांति सम्मेलन के 150 साल पूरे होने के मौके पर कॉन्फ्लुएंस फाउंडेशन ने 2 अगस्त को दिल्ली में भारत कॉन्क्लेव 2019 का आयोजन किया। ये संस्था जाति, धर्म और सामाजिक सीमाओं से परे देश भर से अलग अलग कारीगरों को भारत कॉन्क्लेव 2019 के लिए लंदन लेकर जाएगी। ये कॉन्क्लेव 26 से 28 सितंबर के बीच लंदन और ब्रिटिश संसद में आयोजित किया जाएगा। इस भव्य कार्यक्रम के मैनेजमेंट की जिम्मेदारी ट्रीडेंट कम्युनिकेशंस को सौंपी गई है। खादी और हैंडलूम दोनों को मैं बढ़ावा दे रही हूँ। एक्चुअली हमारी एनजीओ काम करती है मेक इन इंडिया के तहत। प्रधानमंत्री जी का जो अभी मेक इन इंडिया का एक कार्यक्रम है, उसमें हम लोग एनजीओ हमारा काम करता है कि जितने भी इंडियन आर्टिजन्स एंड वीवर्स हैं, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग जगह पे वो काम कर रहे हैं, उन्हें वहीं पे रख के उनके हैंडलूम सेक्टर और खादी को हम प्रमोट करें, और आर्टिजन्स को भी जो अलग अलग जगह पे बन रहे हैं लकड़ी के खिलौने, मतलब सब चीजों को हम लोग प्रमोट करते हैं। तो अब की बार 150 ईयर्स ऑफ गांधी जी का, महात्मा गांधी जी का है साल, तो हम लोग इस बार खादी को ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं हैंडलूम के साथ। कॉन्फ्लुएंस फाउंडेशन एक कल्चरल संगठन है जो उन कारीगरों की मदद में लगा हुआ है जिनकी अपनी कला किसी भी समस्या की वजह से खत्म होने की कगार पर है। संस्था की फाउंडर स्मिता श्रीवास्तव ने आज तक से बातचीत में बताया कि कॉन्फ्लुएंस फाउंडेशन कारीगरों के लिए सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लगातार काम कर रहा है। ये संस्था कॉन्फ्लुएंस कारीगरों को अंधेरे से उजाले की ओर ले जाने की जीतोड़ कोशिश कर रहा है, क्योंकि इन कारीगरों का अस्तित्व उनकी कला के लिए अहम है। फिलहाल ये कारीगर सूत की बढ़ती कीमतें, रोजगार की कमी, हैंडीक्राफ्ट बाजार का लगातार कम होना, बिचौलियों की समस्याओं और बढ़ते नकली प्रोडक्ट की वजह से संघर्ष कर रहे हैं। हर किसी को इसमें लगना पड़ेगा। ये नहीं कि हमें गवर्नमेंट से हेल्प मिले तभी हम करें, इसके लिए हमें है कि सब लोग हमें इसमें साथ में एक एक करके मिले और इसमें काम करें। तो उसके तहत मैं इसमें लगी साथ में, और अभी देखिए मेरी पूरी फैमिली बन गई है इतने सारे लोगों के साथ, और सारे हमारे साथ एज अ लंदन जा रहे हैं, और इसमें हमारे साथ वाराणसी से हैंडलूम सेक्टर से भी जा रहे हैं, खादी के भी लोग जा रहे हैं, तो डिफरेंट अलग अलग एमिनेंट अवार्डीज जा रहे हैं, जैसे बिजनेस क्लास है तो डिफरेंट इस एक्सलेंस अवार्ड इसलिए देते हैं कि पार्लियामेंट में, कि जिसमें हमें ये रहे कि क्या हो रहा है इंडिया में क्या नहीं, तो उन्हें वहां पे एक ब्रिटिश पार्लियामेंट में अवार्ड मिलना एक इंडियन उसमें बहुत ही गर्व की बात है। कॉन्फ्लुएंस फाउंडेशन के भारत कॉन्क्लेव 2019 में डॉक्टर से लेकर टीचर, नेता से लेकर अभिनेता, एक्टर से लेकर सिंगर और बिजनेसमैन सभी मौजूद रहे। इस कॉन्क्लेव में देशभक्ति के तरानों के साथ साथ देश के प्रति समर्पण भी देखने को मिला। सांस थम सी गई, नब्ज जम सी गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया, कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया, मरते मरते रहा बाकपन साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। हमारे देश के जितने वीवर्स हैं उसके आगे जितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो तो हमें उसको बढ़ावा देना चाहिए। एज इंडियन पीपल, एज इंडियन पब्लिक, हमें उसका सहयोग देना चाहिए, और हमारे यहाँ जितने वीवर्स को सपोर्ट कर सकते हैं हमें खुद इस्तेमाल करके, और ग्लोबल मैसेज ये देना चाहिए, इसको आगे सपोर्ट करने का मैसेज आगे पहुंचाना चाहिए। इन्होंने पिछले साल भी बहुत अच्छा एक मंच दिया था वीवर्स को लंदन में, ब्रिटिश पार्लियामेंट में सम्मानित करते हुए उनको न सिर्फ सम्मान मिला बट एक प्रतिभा मिली एक इंटरनेशनल मार्केट में। कॉन्फ्लुएंस एक एनजीओ है जो इस तरह के वीवर्स को बहुत प्रोत्साहन दे रहा है।
गांधी जी ने देश के लिए आजादी में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उनके याद में इस तरीके से किया जा रहा है, उनकी याद को हम लोग आगे और बढ़ाएं, जो आगे की जनरेशन भी जो है याद रखें, तो इस तरह के कार्यक्रम पूरे देश में चलना चाहिए और उसी का एक यह करिए। पीछे मैंने बहुत सारे प्रोग्राम किए, मैंने ऑस्कर्स में भी किया, कांस में भी किया और खादी को मैं नया रूप दे रही हूँ जिसमें खादी इन ड्रेसेस है, ग्लैमर है एंड खादी को बिल्कुल ही बिजनेस सूट्स में लेके आई। मेरा नेक्स्ट वीक लॉन्च है बिजनेस सूट्स में खादी में एंड आई एम श्योर कि जितने भी एनआईज हैं वहां पे बाहर में, वो जब इंडिया आते हैं उनको नहीं मिलता खादी में इन अ फैंसी वे, सो उसको मैं आई एम वर्किंग ऑन दैट मोर। कॉन्फ्लुएंस फाउंडेशन ने विलुप्त होती अमूल्य कला और परेशानियों से जूझते कारीगरों के विकास और उत्थान के लिए जो पहल की है वो बेहद सराहनीय है। कॉन्फ्लुएंस फाउंडेशन यूनाइटेड किंगडम में एक छोटा भारत बसाने की कोशिश में सफल होता दिख रहा है। दिल्ली से नितिन सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।